नमस्कार दोस्तों, विद्यावर्धन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स, जिसमें हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सबसे छोटा काउंटिंग नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा काउंटिंग नंबर होता है 1। इसको हम एक यूनिट मानते हैं और 1 में एक यूनिट और जोड़े तो हमें मिलता है 2। अब यहां पर देखिए, 2 और 1 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है। उसी तरीके से एक नंबर और जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 3। अब 3 और 1 के बीच में है 2, लेकिन 3 को किसी भी तरीके से अपने छोटे नंबर के मल्टीपल के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। उसी तरीके से 2 को भी अपने से छोटे नंबर के मल्टीपल के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन 4 जो है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2। 4 को अपने छोटे नंबर्स के मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन 5 को किसी भी तरीके से इन किसी भी नंबर के मल्टीपल के रूप में लिखा नहीं जा सकता। लेकिन यहां पर देखिए, 6 को हम 3 into 2 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन 7 को अपने से छोटे नंबर्स के मल्टीपल के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसी तरीके से 8 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2। 9 को हम लिख सकते हैं 3 into 3। 10 को हम लिख सकते हैं 5 into 2। यानी ये जो नंबर है, इन नंबर्स को अपने से छोटे नंबर्स के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, जबकि ये जो नंबर है, इन नंबर्स को अपने से छोटे नंबर्स के मल्टीपल के रूप में नहीं लिख सकते। यहां पर देखिए, 11 को अपने से छोटे नंबर्स के मल्टीपल के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। तो इन सारे नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स और इन सारे नंबर्स को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स, यानी वो नंबर्स जो अपने से छोटे नंबर्स के मल्टीपल के रूप में नहीं लिखे जा सकते, उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। और वो नंबर्स जिनको उनके छोटे नंबर्स के मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब यहां पर देखिए, जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं वो भी प्राइम नंबर्स के ही मल्टीपल हैं। यानी जो भी नंबर होगा वो या तो प्राइम नंबर होगा या प्राइम नंबर का मल्टीपल होगा। एक से बड़ा हर नंबर या तो प्राइम नंबर होगा या तो प्राइम नंबर का मल्टीपल होगा। Therefore, a prime number is a natural number greater than 1 that cannot be formed by multiplying 2 smaller natural number। यानी एक से बड़ा हर एक नंबर जिसको अपने से छोटे नंबर के मल्टीपल के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। ये देखिए, ये कुछ एग्जांपल है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को मैंने ऑरेंज से हाईलाइट किया है, ये आप याद रखिएगा। ये है 1 to 100, इतने प्राइम नंबर्स पढ़ेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। इन नंबर्स को अपने से छोटे नंबर के मल्टीपल के रूप में नहीं लिखा जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स। यानी जैसा कि मैंने बताया कि एक से बड़ा हर एक नंबर या तो प्राइम नंबर होगा या तो प्राइम नंबर का मल्टीपल होगा। यानी हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं और ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। यूनिक इन द सेंस कि उसके जो फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे। आप उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं लेकिन फैक्टर चेंज नहीं कर सकते। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर देखिए, 30 एक कंपोजिट नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 5 into 2 into 3, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए।
इसको हम 2 इंटू 3 इंटू 5 भी लिख सकते हैं और 2 इंटू 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स का हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन इनके प्राइम फैक्टर्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन जनरल गिवन एन कंपोजिट नंबर x, वी फैक्टराइज एज x इज इक्वल टू पी वन इंटू पी टू इंटू पी थ्री डैश 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 इंटू पी एन। जनरली किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। यहां पर पी वन पी टू पी थ्री जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। किसी भी नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उस प्राइम फैक्टर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 210 एंड 385। बहुत ही सिंपल है किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। अब यहां पर 210 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं ये सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिविजिबल है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, और ये 2 से डिवाइड होगा तो आएगा 105। अब क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं, लेकिन ये उससे बड़े प्राइम नंबर 3 से डिवाइड होगा, और 3 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 35। अब ये ना 2 से डिवाइड होगा ना 3 से डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा 5 से और आएगा यहां पर 7। 7 इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है। अब इसके और प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे। Therefore, prime factorization of 210 is 2 into 3 into 5 into 7. उसी तरीके से 385 का हम prime factorization निकाल लेते हैं। अब यहां पर देखिए जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है जिससे डिवाइड होगा वो है 5। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 77। अब ये किससे डिवाइड होगा? अभी डिवाइड होगा 7 से तो यहां पे आएगा 11। Now, prime factorization of 385 is 5 into 7 into 11। इस तरीके से हम किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन वी कैन कैलकुलेट एससीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू और मोर पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हम दो या दो से अधिक नंबर्स का एससीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी निकाल सकते हैं। एलसीएम क्या होता है? व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, चलिए एक छोटा सा रिवीजन इसका कर लेते हैं। एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो छोटी से छोटी संख्या जो दोनों के टेबल में आए। मान लीजिए आपके पास दो नंबर है 3 एंड 5। अब इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे? ये नंबर लाइन हो गई। अब यहां पर देखिए 3 यहां पर होगा, अब 3 के मल्टीपल लिखेंगे तो ये आएगा 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15। ये 3 के मल्टीपल्स होंगे। अब उसी तरीके से अगर हम 5 के मल्टीपल लिखें तो यहां पे आएगा 5, 5 के बाद आएगा 10, 10 के बाद आएगा 15। अब देखिए दोनों के मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो है 15। Now 15 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो छोटी से छोटी संख्या जो दोनों के टेबल में आए, दैट इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। Now विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन वी कैन कैलकुलेट एससीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू और मोर पॉजिटिव इंटीजर्स। और वो हम कैसे करेंगे, चलिए हम देख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एससीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे? Find out SCF and LCM of 24 and 36 by using prime factorization method. चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस मेथड से SCF और LCM निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमको नंबर्स दिए गए हैं उनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो चलिए 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसको हमने डिवाइड किया, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 12, अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 6, अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 3। अब 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 into 3, that is 2 to the power 3 into 3। उसी तरीके से 36 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 into 3, that is 2 square into 3 square।
अगर आपने एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया तो अब बहुत ही आसान है। अब हम क्या करेंगे, नाउ SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। हमेशा ध्यान रखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी इन दोनों के बीच में जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे उनकी जो सबसे छोटी पावर होगी उसको हम मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। अब यहां पर देखिए कॉमन फैक्टर कौन है, कॉमन फैक्टर है 2 और कॉमन फैक्टर है 3, तो 2 की जो सबसे छोटी पावर है दैट इज 2 और 3 की जो सबसे छोटी पावर है दैट इज 1, तो यहां पे हो जाएगा 2² × 3 एंड दैट इज इक्वल टू 12। लेकिन एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहां पे हमें कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं देखना है, हमें क्या करना है, जो भी प्राइम फैक्टर हो उसकी जो सबसे ज्यादा पावर हो उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर देखिए कौन से प्राइम फैक्टर है, यहां पे प्राइम फैक्टर है 2 और 3, यहां पर भी है 2 और 3, 2 की ग्रेटेस्ट पावर है 2³ और 3 की ग्रेटेस्ट पावर है 3² तो ये हो जाएगा 2³ × 3² एंड दैट इज इक्वल टू 72। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से दो नंबर्स का SCF और LCM निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात एक और भी है, दैट इज SCF ऑफ 24 and 36 × LCM ऑफ 24 and 36 इज इक्वल टू 12 × 72 इज इक्वल टू 864 एंड 24 × 36 इज ऑल्सो 864। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दैट SCF ऑफ AB into LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A × B। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के SCF और LCM को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर के मल्टीपल के बराबर होता है। लेकिन दोस्तों ये 3 नंबर या 4 नंबर के लिए सही हो ये जरूरी नहीं है। दिस इज ट्रू फॉर 2 नंबर्स ओनली एंड यू कैन यूज इट फॉर वेरीफाइंग योर रिजल्ट।